थैंक यू सो मच। चलो वो बात ही कर रहे थे कि साल की शुरुआत हो गई आपका ऐसा धमाका स्टार्ट हो गया, एक तरफ जवानी जाने में लोगों की अभी तक वो भूल नहीं पा रहे, सो आपने एक और एक ये दे दिया। आप पति पत्नी रो की बात कर रहे हैं और स्ट्रीट डांसर की, जवानी जाने में सिर्फ देखने आया था मैं मैंने कुछ नहीं किया उसमें। हाँ सो बताइए कि नवाब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? या टच वुड आई थिंक it's really important to give love and respect to this medium as well. I think it's a very pure organic medium. jitni bhi short film hai is samay ban rahi hai hamare desh mein, bahut zyada dil se upcoming filmmakers bana rahe hain, and manchi ko to main upcoming filmmaker bhi bolunga kyunki already wo do teen achhi short films bana chuki hain, and you know bahut zyada relevant subjects pe already you know writing team mein wo hain. so I think she's doing some fab job. the day she narrated this to me I was like I'm totally in. तो ऐसे नवाबों वाले कौन कौन से शौक रखते हैं आप? यार जब एक डॉग का नाम नवाब हो, आई थिंक जो ये डॉग्स होते हैं या जित कोई भी पेट हो, आई थिंक उनके नवाबों वाली हरकतें होती हैं, बिकॉज वी लव पैम्परिंग देम और आई एम एन एनिमल लवर, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया शूट करके नवाब के साथ। यार जब हम शूट कर रहे थे नवाब, तो एक सीन है जब मैंने नवाब को ना गाड़ी के अंदर बिठाना कि चलो गाड़ी के अंदर घुसो, वो गाड़ी के अंदर घुस ही नहीं रहा था, इतनी मुश्किल से उसको बिठाया। इट्स अ गुड थिंग कि वो मुश्किल से बैठा बिकॉज वो हमें फिल्मिंग करने को मिल गई। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक नॉर्मली डॉग्स आर एक्सट्रीमली फेथफुल, दे लिसन टू यू एंड काफ़ी समझदार होते हैं, इंसानों से ज़्यादा समझदार होते हैं। शॉर्ट है मतलब बहुत ही एक स्ट्रांग मैसेज दिया जी। व्हाट हैव यू बीन सेइंग, हाउ मच इंपैक्टफुल इट वाज ऑन यू आल्सो, लाइक व्हेन यू हर्ड द स्क्रिप्ट? यार ये ना लाइफ की कहानी होती है कि आपको पता नहीं होता कि आप किस मोड पे क्या डिसीजन ले लेंगे और वो किस तरीके से आपको क्या हेल्प करेगा। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द राइट चॉइसेस, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप सही लोगों के साथ अपना सफ़र तय करें, चाहे वो फिल्म का हो चाहे वो ज़िंदगी का हो। आई थिंक नवाब में जब मैंने एक डॉग के साथ मैं था, एक और डॉग के साथ सफ़र तय करने का सोचा, आई थिंक वो बहुत ही अच्छा वाइज डिसीजन था। इट ओनली मेड गेव मी अ बेटर फैमिली। अपर एनी मैसेज आपके पास पेट है या प्लान कर रहे हैं, दिस फिल्म आल्सो टॉक लॉट्स ऑफ अबाउट इट, क्या आप मैसेज देना चाहोगे? यार मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बोला कि इंसानों से ज़्यादा समझदार होते हैं आजकल एनिमल्स, ऑफ कोर्स उनको वो प्यार और वो यू नो टच देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक हमें एनिमल से सीखना चाहिए कि एक अनकंडीशनल लव कैसे किया जाता है, सो वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम देम। यार देखो है तो गलत ऑफकोर्स, मतलब मैं इसको सही कैसे कह सकता हूँ, बट क्या है ना लाइफ में चीज़ें कुछ इतनी ज़्यादा गलत हो जाती हैं आजकल कि लोग तो कई बार माँ बाप को छोड़ देते हैं। सो इट्स वेरी सिचुएशनल, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीवनस पर्सनल लाइफ, ये गलत है ऑफकोर्स, नहीं होना चाहिए। इट्स जस्ट दैट अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है तो वो जिस हद तक रेक्टिफाई कर सकता है उसको रेक्टिफाई करे। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जिस तरीके का अनकंडीशनल लव हमें एनिमल्स देते हैं, आई थिंक वी शुड ट्राई टू इनकल्केट द सेम क्वालिटीज इन अस। अब रश्मि रॉकेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी आपको कास्ट किया गया है तब्सी पन्नू के साथ, जो कि कंटिन्यूसली वो इंस्टाग्राम में उसको पोस्ट करती जा रही है, इसके बारे में क्या आपका कहना है? यार अभी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आई थिंक डेवलपमेंट स्टेज में हैं, आई हैवंट साइंड द फिल्म येट, ऑफकोर्स वी आर इन टॉक्स एंड इट्स अ ब्यूटिफुल स्क्रिप्ट एंड अ ब्यूटिफुल जर्नी, and I'm a big fan of Tapsi. I think the kind of journey she has had, it's absolutely amazing. kai baar log mujhse poochte hain ki aapko kaun inspire karta hai film industry mein, I would like to take Vidya ma'am's name, Tapsi's name, Nushrat's name. I think all these women have had a great journey, and I totally love you know the kind of films they've done and the kind of journey they've had in real life. सर कितने एक्साइटेड हैं आप इस स्पोर्ट्स जैसी फिल्मों पर काम कर और पहले भी आपने किया है, कितना आपको बेहतर यार कैरेक्टर बनाता है आपको? सर आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन इन रियल लाइफ, ये जो अब मैं कर रहा हूँ जिंदगी में वो तो क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सका, उसमें फेल हो गया, तो उसके बाद ये ऑप्शन आई थिंक जिंदगी में आई।
बट हैविंग सेड दैट आई थिंक स्पोर्ट्स जब भी आपकी ज़िंदगी के आसपास रहता है आप एक ऑर्गेनिक रियल इंसान रहते हैं. Yeah, thank you so much guys. Thanks a lot. Thanks a lot. मुझे नवाब बहुत ही पसंद आई. काफ़ी सिंपल स्टोरी है लेकिन इट्स रियली वेल मेड. मुझे परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी लगी. अपार शक्ति मरिया एवरी वन डन अ रियली गुड जॉब एंड इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म. आई रियली एंजॉयड वॉचिंग इट. मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है लेकिन मेरे घर में मम्मी अलाउ नहीं करती है तो उस बात की दुख है मुझे. लेकिन आई रियली लाइक डॉग्स एंड आई वुड लव टू हैव अ पेट बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट एट द मोमेंट. Well, I think Abhinav is an amazing producer. He's made a couple of other short films before and they have done extremely well on, they've been very well received commercially and critically. They have gotten millions and millions of views on YouTube as well. People have loved the movie. So I'm very curious and very excited to see how Nawab does. How did you find the time to that? Nawab, did you really expect Nawab and then what Patata? नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं था एक्चुअली क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं पहली बार पिक्चर यही देखूंगी स्क्रीनिंग पे. सो इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉच्ड इट सो आई हैड नो आइडिया दैट नवाब वाज अ वेरी वेरी क्यूट डॉग जो मुझे आज पता चली. आई थिंक गेटिंग अ पेट इज लाइक रियली क्यूट लाइक इट्स लाइक आई लाइक इट. I think it's a nice idea, like if people will see then they will take animals to home, like it's really nice, very cute, because some animals, they don't have homes. Animals ke bare mein, like, kya kehna chahenge aap, and aap kitna, like, pets lover? मेरा खुद का एक पेट है. आई हैव अ मिनिएचर पूडल सो मुझे एक्स्ट्रा अच्छी लगी बिकॉज आई वॉज रिलेटिंग इट टू माई ओन डॉग. सो या लगता और एक डॉग लेके आ जाओगे. आई नो मेरे को लगा काफ़ी अनएक्सपेक्टेड एंडिंग थी. अभी बताऊंगी नहीं ऑब्वियसली बिकॉज काफ़ी लोगों को देखनी है बट इट्स रियली नाइस. मैं अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा अपने पेट से अटैच्ड हूँ. एंड द थिंग इज शी इज सो लाइक जब इंसान होता है तो तुम लाइक दे डोंट सरप्राइज यू. माई डॉग लिटरली सरप्राइजेज मी एवरी डे विद समथिंग और द अदर शी डज. सो आई एम एक्सट्रीमली अटैच्ड टू माई डॉग एंड आई लाइक डॉग्स इन जनरल ऑल्सो. नवाब एक छोटी फिल्म है. 9 मिनट्स की फिल्म है. बहुत प्यारी कहानी है. एक कपल, एक आदमी, एक कुत्ता. अच्छी स्टोरी बनाई है इन्होंने. 10 मिनट में आपका मन बहल जाता है. इट्स अ वेरी लवली हार्ट वार्मिंग स्टोरी अबाउट अ कपल एंड अ डॉग. एंड एट द एंड ऑफ द फिल्म आई गारंटी यू विल वांट अ डॉग. इट इज जस्ट सो हार्ट वार्मिंग. इट्स अ लवली स्टोरी, वेरी स्वीट एंड फिल्स यू विद ऑल दीज इमोशंस इन जस्ट 9-10 मिनट्स व्हिच इज फैबुलस. ग्रेट स्टोरी टेलिंग एंड ब्यूटिफुली रिटन. सो वेल डन मानसी एंड वेल डन अभी फॉर प्रोड्यूसिंग इट. इट्स लवली. Congratulations, Avi. Congratulations, Mansi. आप कितने pet lover हैं या अगर आपके पास pet हैं तो? देखिए बचपन में मेरे पास बहुत pets थे. कुत्ते थे, बिल्लियाँ थी, सब थी. लेकिन अब इतनी ट्रैवलिंग होती है हमारी इंडस्ट्री में और जगह जगह जाना पड़ता है और कई महीनों तक जाना पड़ता है तो आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू हैव अ डॉग एंड डिप्राइव हिम ऑफ योर प्रेजेंस एंड लव इन द टाइम दैट यू आर अवे. लेकिन जब ऐसी फिल्म देखता हूँ नवाब जो अभिनय प्रोड्यूस किए मानसी ने बनाई है तो मुझे लगता है यार कुत्ता रख ही लो, रखना चाहिए. आई वांट अ डॉग. ये भी नहीं आती. प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है. देखते आगे क्या होता है. लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस. And a so dog is irresponsible. Allah has been appreciated. Jawani Jaaneman. So much. Jawani Jaaneman. I'm so proud of Alaya for the performance she has given. Such a beautiful performance. And that too, working with seasoned actors like Saif and Tabu. And she has worked so hard for it and prepared so well for it. And she deserves every good review she's getting. And I bless her and I wish her a lifelong success and I'm proud of her. We're both very, very proud of her. Well done, Laya. She's done a great job. Kapil, we are looking forward
you also like you. So there will be lots of offers coming up like you, but you know, my career is around the world, so if something's not happening here, it's happening there. But I certainly look forward to doing much more projects here in the film industry and the OTT space. Yeah. Because I think it's a great time for all people in the film industry. And many opportunities are opening up, many characters are coming on board that never were there before. So hopefully I will contribute in my own way to this new generation and this new form of filmmaking in whatever way I can. Thank you. Good night. The performances were very naturally projected, और जो direction है मानसी की वो बहुत उम्दा थी, और अभिनव का जितना कम जितनी ज़्यादा तारीफ करें उतनी कम होगी, because the kind of film that they put together बहुत slice of life take है और बड़ा feel good factor है एक film में. ऐसी film में मैं तो कह रहा हूँ ये छोटी क्यों आ रही है, लंबी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए. सो मेरी जिंदगी में आई हैड अ डॉग फॉर 14 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, एंड फनली इनफ जैसे मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ तो आई गॉट एलर्जिक. तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है डॉग से और कैट से, पर मैं अपने घर पर नहीं रख सकता. बट आई कैन फील द लव थ्रू दिस फिल्म फॉर श्योर, जिस तरीके से इन्होंने प्रोजेक्ट किया है. और ये एक एक्चुअल इशू है, और ये मेट्रोज में इशू है, और वो वाले मेट्रो को वो वाले इशू को जब सामने लेकर आते हैं तो जिस तरीके से इन्होंने स्लाइसेस लाइक टेक दिया है, और वो एक की जगह दो हुए हैं, तो वो पॉपुलेशन बढ़ी गई है. और बहुत अच्छी बात है कि घर घर में होने चाहिए पेट्स, इनको सहारा मिलना चाहिए. एंड आई होप मेरी भी एलर्जी ठीक हो जाए, मैं भी दो चार रख ही लूँ. फिलहाल तो मेरे घर वाले कहते हैं एक है बहुत है. क्या मैसेज देना चाहोगे इस फिल्म के थ्रू? फिल्म ने तो मैसेज दिया है, बट व्हाट हैव यू टू से टू द पेट लवर्स या हु आर रियली प्लानिंग लाइक? मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी पेट लवर्स हैं वो अपने पेट्स के साथ उतने ही रिश्ते निभाएं जितने बाकी इंसानों के साथ निभाते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ लाइफ, दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स. और बाकी सारे पेट लवर्स को मैसेज दूंगा कि जाके देखिए 10th अप्रैल को 83 इन अ थिएटर नियर यू. या सो आई एम सुपर एक्साइटेड. मेरी औकात से बाहर का एक्सपीरियंस था, टू बी ऑनेस्ट. आई मीन इट वॉज सरियल. मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी एक इतनी अच्छी फिल्म का हिस्सा बनूंगा. मुझे लगा था कि हाँ कुछ ऐसा पैरेलल ही आएगा, पर ऐसा नहीं पता था कि इतना बड़ा फिल्म आ जाएगा जिसके बारे में सब बात करेंगे, नॉट जस्ट ऑल अक्रॉस द हिंदी स्पीकिंग मार्केट, ऑल्सो द तमिल एंड तेलुगू मार्केट, बिकॉज कमल हसन इज प्रेजेंटिंग इट इन तमिल एंड नागार्जुना इज प्रेजेंटिंग इट इन तेलुगु. सो ऑल थैंक्स टू देम, ऑल थैंक्स टू कबीर, ऑल थैंक्स टू मुकेश छाबड़ा, ऑल थैंक्स टू रणवीर फॉर बीइंग द कैप्टन एंड लीडिंग अस हाउ ही शुड लीड अ टीम. आप देख ही सकते होंगे सारी फोटो में हमने सबने एक ही ब्लेजर पहने और सब एक ही पोज कर रहे हैं, तो वो एक टीम एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है. दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. सो मैं जैसे बचपन में होता था सबका पहला सपना क्रिकेटर बनना, तो वो क्रिकेटर तो बनना ही चाहता था, पर बैटिंग और बॉलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था. विकेट कीपिंग एज अ स्किल मेरे लिए एलियन था, तो वो जो स्किल डेवलप किया है वो बलविंदर सिंह संधू ने डेवलप किया है मेरे लिए, जो एक्चुअली 83 के वर्ल्ड कप विनर हैं, जो डाइव्स मारी हैं हमने, मतलब आई एम नॉट किडिंग, नाउ आई हैव अ बूटी टू एक्चुअली डू अ स्विम सूट शूट. मतलब रोज़ के 250 स्क्वाट करके जो ये बिल्ली हज को चली है उसके अलग ही पैंतरे हैं. एंड द फैक्ट दैट नाउ आई कैन एक्चुअली बी इन द IPL ऑक्शन, वॉच आउट फॉर मी गाइज, RCB इज गोइंग टू विन नाउ फाइनली. थैंक यू सो मच. थैंक यू. It's a very cute and sweet experience. I've never owned a dog in my life, but I just kind of felt what it's like and what people feel. I have a cat, and I think it's the purest form of love, the love that you feel for another animal, because they can't voice their opinions like humans do all the time. And it's a sweet, simple story. It's not complicated. It's not trying to prove any point. It's just that sometimes human beings, we need like other beings to kind of make us realize what we're going through. And that's kind of what happens in this film. Like, something about your character, like what was the reason to film this? So, the main reason why I did it was because A, it wasn't a comedic role. Like I was looking to do something that's not only comedy. And B, I really liked the part. I liked the significance that this character has in the film. Like she plays like a part, she's a bit of a catalyst in the journey that Apar's character has ultimately and what happens. So I like that, and the way it was written, like very relatable. You meet such people and you feel their pain, and you know what they go through day in and day out at pet shelters where people just dump their animals, and you know
So I liked it. It spoke to me, and it's very different from what I'm usually offered. So I liked that about it. मैं कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर देखो नवाब. इट्स अ वेरी क्यूट फिल्म. इट हैज़ समथिंग फॉर एवरी वन एंड इट मेक यू फील वेरी हैप्पी बाई द एंड ऑफ इट. मेक यू इट लीव यू विद होप विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आई थिंक एवरी पीस ऑफ आर्ट शुड लीव यू विद सम होप एंड दैट्स व्हाट इट डज. तो कैट्स तो डॉग्स की ऑपोजिट होती है ना. मतलब डॉग्स आर दे वांट योर अफेक्शन ऑल द टाइम. कैट्स भाव नहीं देती. कैट्स के लिए तुम कुछ नहीं हो. तो कैट्स आर द क्वीन. बट इवन विद कैट्स दे हैव अ वे ऑफ शोइंग अफेक्शन. सो माई सिस्टर्स कैट एवरी टाइम आई गो, मैं दो तीन महीने के गैप में भी जाती हूँ ना, शी हैज दिस वियर्ड वे ऑफ शोइंग अफेक्शन वेयर आई वॉक इन टू द हाउस शी विल फॉल एट माई फीट एंड बी लाइक हेलो प्लीज हटो. एंड मैं थोड़ा चलूँगी फिर और गिर जाएगी आके. तो वो उसका तरीका है. एंड बट लेकिन अगर मैं उसको जाके कडल करना चाहती हूँ, कुछ भी करना चाहती हूँ, जस्ट बी लाइक हट कौन है तू. सो इट्स क्वाइट क्यूट. इट्स लाइक लिविंग विद अ टीनेजर हु डजंट वॉन्ट यू टू बी देयर पेरेंट एनी मोर. बट थैंक यू. मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत ही प्यारी फिल्म है. मैंने ऐसा सोचा नहीं था. मुझे लगा था पता नहीं डॉग को लेके क्या स्टोरी होगी क्या नहीं है. पर क्योंकि मानसी जैन जो इसकी डायरेक्टर और राइटर हैं, मैं उन्हें जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से कि वो बहुत ही सेंसिबल काम करती हैं. उनके साथ मैं उनकी पहली फिल्म एवरीथिंग इज़ फाइन में काम कर चुकी हूँ इसलिए उम्मीद तो थी उनसे. पर ये एक्चुअली में बहुत प्यारी फिल्म है और एक अलग रिलेशनशिप. मतलब मुझे लगता है जो डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, उनके लिए तो ये फिल्म बहुत ही दिल को छू जाएगी. और मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इमीडिएट जाके एक पपी ले लेना चाहिए. बहुत क्यूट फिल्म है. थैंक यू सो मच. हाँ नहीं नहीं मैं सच बोलूँ तो मुझे इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में डर लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने दो बच्चे बड़े किए हैं और मैं 14 साल घर में रही हूँ. तो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है बच्चों को पालना. और मुझे लगता है उनसे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आपके घर में कोई डॉग या कैट या कोई भी ऐसा एनिमल, आप जो डोमेस्टिक एनिमल जो आप पालते हैं उनके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चौगनी हो जाती है क्योंकि वो तो बेचारे कुछ कह भी नहीं सकते हैं. और इस फिल्म में जिस तरह से इमोशन के साथ खेला है कि वो छोड़ना चाहता है पर वो नहीं छोड़ सकते आप. और मैं, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हम घर में एक छोटा सा पपी ले आएँ. तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप लोग शायद निकल जाओ पर मैं नहीं निकल पाऊँगी. अगर एक बार वो आ गया तो उससे जो रिश्ता बनेगा उसे छोड़ा नहीं जा सकता. और ये बड़ा अच्छा मैसेज है इसके ऊपर जो उन्होंने कमेंट भी किया है कि जहाँ पर वो जाता है देखने के लिए वहाँ डॉग्स अलग अलग तरीके से लोग छोड़ के गए हुए हैं. और ये एक्चुअली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप शौक में आके एक डॉग ले आते हैं अपने घर में और आपके पास ना जगह होती है ना आपको मालूम होता है कि बाद में क्या होने वाला है इसका. कभी उसका साइज़ बड़ा है तो कभी उसके बालों की प्रॉब्लम है तो कभी बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं तो लोग घबरा जाते हैं. तो मुझे लगता है कि इस फिल्म में ये बहुत अच्छे से ये मुद्दा उठाया है कि अगर आप लाते हैं घर में तो आपको पता होना चाहिए कि वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहने वाला है. जब तक उसकी ज़िंदगी है वो आपके साथ रहने वाला है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको तब तक वैसे ही रखें जैसे आप लाए थे, जिस फीलिंग के साथ आप लाए थे. तो एक बड़ा अच्छा लगा कि इतनी छोटी सी फिल्म में इतनी बड़ी बात मानसी ने उठाई है. ये मुद्दा बहुत खूबसूरती से और इतनी लाइट वे में उठाया है कि ऐसा नहीं लगा कि बहुत प्रीची हो गया कि हम ये बता देना चाहते हैं. ऐसा नहीं है. आप देखने के बाद आपको लगता है कि अरे हाँ एक्चुअली सिर्फ फैशन के लिए डॉग घर में ले आना और ये मान लेना कि अरे देखो हम ये वाला डॉग खरीद के लाए हैं और हम इसे ऐसे पालेंगे, पर इतना आसान नहीं है. आपके बच्चे से भी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अगर आप लाए हैं तो आप उसकी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी उठाने लायक होने चाहिए. तो ये फिल्म से मैसेज भी मिलता है और फिल्म में कमेंट भी है और इमोशन भी है. आप इमोशनल भी हो जाते हैं. आपको सच में उस डॉग की शक्ल देख के बहुत प्यार आने लगता है और बहुत ही क्यूट डॉग था वो. और मुझे लग रहा है कि एक्चुअली मैं शायद बच्चों की बात जल्दी मान लूँ और अपने घर में भी एक पपी ले आऊँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो कांग्रेचुलेशन. थैंक यू. बहुत ही कम टाइम में आपने बहुत बड़ा मैसेज दिया है. सो आप बताइए कि कैसा रहा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस. What inspired me? English is okay? You comfortable? I mean, it's definitely a cause that is really close to my heart. It's something that I've been associated with forever. And I like talking about big issues in a funny, light-handed manner. And I think that just culminated in this film. So that's what Nawab is all about.
आई वो मैं क्या बोलूँ किसी के लव के बारे में. आई फील लाइक पेट लवर्स इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टर्म. दे आर बेसिकली लाइक चिल्ड्रन दैट यू आर कमिटेड टू फॉर एवर वेदर यू लाइक इट और नॉट. एंड देर आर अप्स एंड डाउन्स. देर आर टाइम्स वेयर यू लाइक व्हाई डिड आई डू दिस, हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस, बट इट्स अ कमिटमेंट यू मेक. एट द एंड ऑफ द डे दे आर फैमिली एंड यू हैव टू ट्रीट देम लाइक दैट. आप एडी नहीं. इट वॉज डेफिनेटली चैलेंजिंग टू शूट विद अ डॉग यू नो लाइक डॉग्स किड्स समर. इट वॉज नॉट ईजी बट आई हैड अ ग्रेट एडी टीम एंड दे लाइक हसल टुगेदर एंड अपार वॉज ऑल्सो अपार इज लाइक वेरी कोऑपरेटिव. सो या इट वॉज चैलेंजिंग. इट टुक लॉन्गर देन वी एक्सपेक्टेड बट इट केम आउट क्वाइट गुड. आई डोंट नो. आई जस्ट लाइक I don't know. I like the idea of a dog being named like that. Like, and वो है भी थोड़ा कि वो chill करता है. वो कुछ actually if you see the film, he's not a dog who's running around. He's Nawab. So yeah. हाँ. Something about that, like, you know, he's also too good. The dog. The dog and Apar. Yeah. उनका जो combination था. Yeah. What have you say about Apar like as an actor? I think Apar is super professional and he's very cooperative. It's a great mix of someone who is a pleasure to work with and is a talented actor. He's such a sport. He was not just like coming on set and like saying his lines. I mean, he's super involved from start to finish. We were having meals together and he was like also like working with the child actors to get good performance out of it. So it was like a very a cohesive, collaborative environment, which is something I enjoy. Like, one message to the viewers. A message to the viewers. I hope you watch the film. I hope you like it. I hope it makes you think and laugh and tear up also maybe. अभी देखी मैंने. अरे बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है अभिनव ने और मानसी ने डायरेक्ट किया इस फिल्म को. और एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है. इसकी जो राइटिंग है वो मुझे बहुत ही कमाल की लगी. जितने जो परफॉर्मेंसेज निकल के आए इस फिल्म से मुझे बहुत अच्छे लगे. जो हुआ फिल्म में जो अंत में हुआ मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था. तो I think when a film shocks you and surprises you, that is the quality of a good film. तो मैं मानूंगा कि इस फिल्म का जो हीरो है वो डॉग है और वो राइटिंग है फिल्म की. इतनी सेंसिटिव राइटिंग है एंड आई थिंक राइटर्स आर ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द पिरामिड ऑफ फिल्म मेकिंग. तो आई थिंक ऑल माई लव एंड ऑल माई रिस्पेक्ट टू द राइटिंग टू द डॉग्स परफॉर्मेंस. अपार शक्ति भाई इज़ आउटस्टैंडिंग. It's so beautifully produced. Just to think of such a topic or aise film mein invest karna, wohi ek bahut badi baat hai. To main bas compliments dunga inko. Aur main khud ek pet lover hu. Mere farm pe kafi kutte hai and we treat them just like we treat human beings. To acha laga mujhe jo finale tha is film ka, kitna satisfying tha aur jis tarike se usko handle kiya hai, mujhe lagta hai it's marvelous. And the best part about it is it's simple. जब तुम किसी फिल्म को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हो ना, फिर उसमें से वो मज़ा निकल जाता है. देन यू स्टार्ट शोइंग ऑफ योर टेक्निकलिटी एंड योर टेक्निकल नॉलेज. इन दिस द स्टोरी इज़ योर हीरो. सो दैट सिंप्लिसिटी वर्क फॉर मी एब्सोल्युटली एंड ऑल माय कॉम्प्लीमेंट्स टू द टीम. ये सारी आशीष जी वो कितने कॉन्फिडेंट हो गए इंडस्ट्री में. यू नो यू ऑलरेडी एंटर्ड जी. व्हाट्स योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, क्या रहेगा कंपनी का अबाउट? मैंने मेरी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो उसको साइन कर लिया है, पर मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं उसके बारे में कुछ बोलूं. पर बहुत जल्दी भाई आपको मैं पक्का बताऊंगा. आप तो मेरे यार हो, खास हो मेरे. जब से ट्रेलर लॉन्च हुआ है तब से हमारा एक गहरा रिश्ता बना है और आप सब के साथ. तो जल्दी मैं आपको बताऊँगा, पर आज नवाब की बात करेंगे. बिकॉज नवाब एक्चुअली मैं कपल ऑफ फिल्म की बात कर रहा हूँ, पर गॉड विलिंग जो अगली वाली होगी जिसको मैं अनाउंस करूंगा वो एक लव स्टोरी है. तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको लेकर. पर आज बात करेंगे नवाब की. नवाब देखकर मैं बहुत खुश हूँ. मैं बहुत उत्सुक था कि क्या होगा इस फिल्म में. अभिनव वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म. मैंने बोला कि यार आके देखना पड़ेगा और यू नो बोलना पड़ेगा जो मुझे लग रहा है. ऑनेस्टली आउटस्टैंडिंग, वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी टच्ड एंड
I'm going to go and play extra with my dogs today. Maria ji, what have you say about her? Arre, she's wonderful, so beautiful and always so lovely. Nice to see you here. She was amazing. She was amazing as she always is. Pleasure. Am I allowed to talk about the ending of the film? That he surprised us. Let's talk about it. हाँ वो जो मुझे वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा जब चेंज ऑफ हार्ट होता है अपार भाई का चेंज ऑफ हार्ट होता है एंड व्हेन ही रिकनसाइल्स हिज लव फॉर द डॉग तो वो बहुत एक इमोशनल मोमेंट था और मुझे मेरे कुत्तों की याद आ गई और ये इस फिल्म में आप कुत्तों को अगर रिप्लेस करें तो यू कैन थिंक अबाउट योर फैमिली यू कैन थिंक अबाउट योर फ्रेंड्स ऑल्सो तो इट्स जस्ट अबाउट लव इट्स जस्ट अबाउट अनकंडीशनल लव फॉर एनी वन हु बिलोंग्स टू यू एंड एनी वन हु स्पेशल टू यू 100% होते हैं 100% होते हैं मैं इस बात को मानता हूँ 100% हमसे ज़्यादा वफादार कुत्ते होते हैं Thank you so much. Simha ji, it's a lovely film. What have you to say about the film, Manasi, and your experience with the film? So, as you know, I am not really an actor. And so when Abhinav and Manasi came home and told me about the script, I think a part of me was really, really happy that they thought of me. And I love the story. Okay, so I am a dog person or I've had three dogs that passed away. I now have two dogs and a rescued cat. So this film is very special to me. I had to be part of it in some way or the other. What was the message? Like it's a really short way, just in 10 minutes, like it had a big and very great message. Like something about people who are dog lovers or pet lovers. What have you seen them like? I think this film is about love and about the fact that, you know, love comes to us in very different ways. And through various, through different people and through different times in our life. And I think when you watch the film in totality, you realize that it's the bond between Nawab and this man who is going through so much of turmoil that turns his life around. And he may have lost the love of his life, but he won a life full of love. So, yeah. Thank you. Thank you.